क्यों करते हो ये जिंदगी निकल जाएगी। हाँ हाँ नाम कितने ले रहे हैं? 5,000 के 30,000। चित्तौड़गढ़ जिले से बीजेपी के सांसद सीपी जोशी की दबंगई वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सांसद सीपी जोशी को प्रतापगढ़ जिले में अफीम के पट्टों का नामांतरण करवाने के मामले में रिश्वत लेने की शिकायत मिली थी। बस फिर क्या था, सांसद जी अपने लाव लश्कर के साथ प्रतापगढ़ के नारकोटिक्स दफ्तर में जा पहुँचे। पहले तो लाइन में खड़ा करके सारे अधिकारियों और कर्मचारियों की क्लास लगा दी। इसके बाद किसी ने शिकायत की कि एक कर्मचारी ने उससे पट्टे का नामांतरण करने के बदले में रिश्वत की मांग की है, जिस पर सांसद सीपी जोशी गुस्से से आग बबूला हो गए। सांसद जी ने आदेश दिया कि उस कर्मचारी को उनके सामने हाजिर किया जाए। बस फिर क्या था, कर्मचारी की सांसद जी के सामने पेशी हो गई। बात चल ही रही थी कि सांसद महोदय ने अचानक ही एक जोरदार थप्पड़ कर्मचारी के गाल पर जड़ दिया। मौके पर मौजूद कुछ लोग इस घटना का वीडियो भी बना रहे थे, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अपने अधिकारियों और किसानों के सामने थप्पड़ खाने के बाद आरोपी कर्मचारी को काफी शर्म महसूस हो रही थी। प्रतापगढ़ जिले में इस तरह की शिकायतें पहले भी कई बार सामने आ चुकी हैं, लेकिन ऐसा पहली बार है जब सांसद ने किसी कर्मचारी को सबके सामने थप्पड़ मारा हो। सांसद महोदय कानून हाथ में लेने के बजाय उस कर्मचारी के उच्च अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित भी कर सकते थे, लेकिन शायद उन्होंने सोचा होगा कि जनता की मौजूदगी में कर्मचारी को थप्पड़ मारकर ही हीरो बन लिया जाए। सांसद सीपी जोशी के इस कृत्य की अब निंदा हो रही है, साथ ही ऐसे रिश्वतखोर कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। राजस्थान तक के लिए प्रतापगढ़ से संजय जैन के साथ चित्तौड़गढ़ से पीयूष मुंदड़ा की रिपोर्ट।